कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा, कल आए, कल हो या डे आफ्टर टुमारो हो, तो उसमें फैसला करेंगे। मैं तो ठेके खोलने के पक्ष में हूँ। बात इस तरह की भी आ रही है बाजवा साहब कि ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी लीकर की, क्या ये पॉसिबल है? अखबार में पढ़ा सुना है, पर मैं तो चाहता हूँ कि डिलीवरी होम डिलीवरी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठेके खोलने चाहिए, तो जो आए वो ले जाए। इतने लंबे समय के बाद अगर ठेके खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती नजर आएगी? वो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमने मंडियों में इतना बढ़िया काम किया, सारा कुछ जो बनता कानून है, जो जो सरकार की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही सारा मंडियों में दाना उठाया, और ये भी ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। तो पंजाब कैबिनेट ये डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन डिलीवरी होगी या फिर ठेके वैसे ही खुलेंगे? ठेके खुलने तय है? पंजाब कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, मेन तो चीफ मिनिस्टर साहब है, ये उनका ही बात चलेगी। बाजवा साहब, एक जो मजदूर भेजे जा रहे हैं पंजाब से वापस अपने घरों को यूपी में, बिहार में, आज जलंधर से पहली ट्रेन निकल रही है झारखंड के लिए, तो उनका जो खर्चा है क्या पंजाब सरकार उठा रही है, जो टिकटिंग का खर्चा? जो सीएम साहब ने कह दिया सीएम साहब ने कहा हम खर्चा उठाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाजवा साहब, कल डीसी जलंधर जो वरिंदर शर्मा हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया रात को 8 बजे सभी मजदूरों के लिए। उनमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि 600 कुछ रुपए जो मजदूर वापस घरों को जाना चाहते हैं, जिनको एसएमएस आएंगे, वो साथ लेके आएं, क्योंकि वो किराया रहेगा टिकट का, वो टिकट का फेयर है। तो अगर पंजाब सरकार ये खर्चा उठा रही है तो फिर डीसी ऐसा मैसेज क्यों दे रहे हैं? शायद उनको गैप ऑफ कम्युनिकेशन हो, उस वक्त तक उनको मैसेज ना पहुंचा हो, पर सीएम साहब ने कह दिया सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी, तो पंजाब सरकार ही उठाएगी। तो बाजवा साहब, अगर ये गैप ऑफ कम्युनिकेशन है तो कहीं ना कहीं तो फिर ये लोगों को परेशानी वाली बात है। अगर गैप ऑफ कम्युनिकेशन की बात है, आज आप पता कर लीजिए, आज सब ठीक हो गया होगा। एक और सवाल बाजवा साहब, अगर सरकार खर्चा उठाएगी तो उसका जो बर्डन है वो एक्सचेकर पे पड़ेगा, क्या पंजाब के वित्तीय हालात ऐसे हैं कि ऐसे खर्चा उठा सके? क्योंकि हर दिन मनप्रीत बादल भी चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा जीएसटी का शेयर रिलीज कर दीजिए, हमें कॉम्पनसेशन फंड दीजिए। कुछ इंसानियत के नाते काम करने पड़ते हैं,